वेरी गुड इवनिंग। टुडे आज हम लोग बात करेंगे हम लोग कुकी रिफ्यूजीज के विषय में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिनों से कुकी रिफ्यूजीज की जो न्यूज़ है काफ़ी दिनों से वो काफ़ी चर्चाएं में है, और इनका जो मुख्य केंद्र का जो बिंदु है कि कुकी चीन और मिजो रिफ्यूजीज जो हैं वो अपने जो शेल्टर है वो मिजोरम स्टेट में बना रहे हैं। मिजो जो ट्राइब्स है वो तो ऑलरेडी मिजोरम से बिलोंग करती हैं, लेकिन अगर हम देखें दूसरी और जो ट्राइब्स हैं जैसे कि कुकी हैं, चीन हैं, इनके विषय में आज हम लोग देखेंगे। जो कुकी और चीन रिफ्यूजी जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, इन सारे विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है अगर इंडिया के मैप को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ इंडिया के जो मैप्स में है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया के मैप में यहाँ पर अगर हम देखें ईस्ट में तो यहाँ पे बांग्लादेश है, और जस्ट बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इंडिया के बॉर्डर से वो 318 किलोमीटर की रेंज में यहाँ पे ये फैला हुआ है। और जो सेकेंड कंट्री है जो म्यांमार है, इसके भी बॉर्डर वो म्यांमार से सटी हुई है, जुड़ी हुई है। तो दो जो कंट्रीज हैं, जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, म्यांमार हो या बांग्लादेश हो, इनकी जो बॉर्डर्स हैं हमारे स्टेट से सटी हुई हैं। तो यहाँ की जो चीन जो स्टेट है म्यांमार की, वह यहाँ पे कुछ जो माइग्रेंट्स हैं जो चीन स्टेट्स कराती हैं म्यांमार में, यहाँ से लोग जो है वह माइग्रेट करके वो मिजोरम में वो प्रवेश कर रहे हैं, अपना शेल्टर ले रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में कुछ दिनों से बहुत जो आप देखेंगे चित्तौंग हिल ट्रैक्स है, CHTV इसको बोला जाता है, यहाँ पे रहने वाले जो ट्राइबल्स ग्रुप है वो कुकीज कहलाती हैं। तो ये दोनों जो ट्राइबल्स ग्रुप है वो अपना लमसम कुछ दिन पहले न्यूज में ये आया था कि कुछ जो ये घुसपैठी है, घुसपैठे भी कहा जाता है, तो ये मिजोरम स्टेट में वो प्रवेश कर लिए थे, लेकिन हमारे जवानों के द्वारा BSF के द्वारा इनको फिर से इनको पीछे किया गया। ये वहाँ के स्टेटमेंट, वहाँ के जो MP थे उनका स्टेटमेंट है। चलिए और हम बात कर लेते हैं कि ये लोग क्यों मिजोरम की तरफ ही ये लोग मूव क्यों कर रहे हैं। तो देखेंगे कि अगर हम बॉर्डर देखें तो मिजोरम, यहाँ पे मिजोरम है, मिजोरम के जस्ट पास में हम ये देखते हैं कि जो सेकेंड स्टेट है वहाँ पे म्यांमार का, वो है चीन स्टेट। तो ये यहाँ से होकर इनकी जो बॉर्डर है वो सटी हुई है, और साथ में यहाँ पे हमने दिखाया भी था मैप में, सेकेंड मैप में आप देखेंगे यहाँ पे जो ये चित्तौंग हिल ट्रैक से यहाँ के जो कुकीज रहने वाली जो जातियाँ हैं वो भी वो इसके थ्रू यहाँ पे मिजोरम की तरफ वो मूव कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी ऐसा इन लोगों का मानना है, और ये ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आया है मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि जो इनकी जो इथनिसिटी है और इथनिक ग्रुप्स हैं वो यहाँ के लोगों से मिलती जुलती है। तो मिजोरम गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द सेटिंग ऑफ टेम्परेरी शेल्टर्स एंड अदर एमिनिटीज फॉर द कम्युनिटी हु सॉट रिफ्यूजी इन इंडिया फॉलोइंग एन एक्शन बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन अगेंस्ट द इन सम इंसर्जेंट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप्स। अब ये है कि ये लोग जो CHTV चित्तौंग हिल ट्रैक्स के जो लोग हैं वो मिजोरम की तरफ क्यों वो मूव कर रहे हैं। तो इनका जो एक तरीके से दोनों के बीच में वो बांग्लादेश के जो बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन है और वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं चित्तौंग हिल ट्रैक में रहने वाले जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, दोनों के बीच में काफ़ी टसंटस हो रही हैं, जिस कारण से वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं चित्तौंग में रहने वाले जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं वो वहाँ से माइग्रेट करके वो अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित रहने के लिए वो वहाँ पे मिजोरम की तरफ को मूव कर रहे हैं। The Christian community from the Bangla-Chittaung Hill Tracts shares close ethnic ties with the people in Mizoram. और ऐसा माना जाता है कि यहाँ की जो लोग हैं, जो चित्तौंग के रहने वाले जो लोग हैं जो ट्राइबल ग्रुप हैं, वह मिजोरम में रहने वाले जो लोग हैं उन
जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है, वो उनसे वो उनकी जो इथनिसिटी उनसे मिलती जुलती है. The state government officials say that the refugees will be housed in the same lines as the shelter given over the 40,000 refugees from the Myanmar who have entered Mizoram since the military coup in neighboring country in February 2021. 2021 में भी सेम घटनाएं हुई थी. और कुछ जो लोग हैं रोहिंग्या, अगर हम देखें रोहिंग्या के बारे में, तो वे लोग भी आकर यहीं पर आकर वो शेल्टर उन्होंने डाला था. इसीलिए वे लोग, इनका मानना है कि इन लोगों को भी, कि अगर वो उन लोगों को अगर शेल्टर दिया जा सकता है तो इन लोगों को भी शेल्टर क्यों नहीं दिया जा सकता है. ये एक्चुअली स्टेटमेंट जो है वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट है. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आस्क्ड द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश टू टेक द एप्रोप्रिएट एक्शन एज पर द लॉ टू चेक द इलीगल इन्फ्लक्स फ्रॉम द म्यांमार into India according to the MHA. Foreign nationals who enter the country without the valid travel documents and treated the illegal migrants. वैसे तो आप लोगों को पता है कि कोई भी अगर कोई भी दूसरे देश के कंट्री से कोई भी माइग्रेट करता है, अगर उसके पास वैलेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, then they will be treated as the illegal migrants. सिमिलरली यहाँ पर भी हमें ये चीज देखने को मिल रही है, जो म्यांमार से मूव कर रहे हैं, जो बांग्लादेश से मूव कर रहे हैं, उनके पास they don't have the valid documents. So they will be, it has been given the statement by the Ministry of Home Affairs that the people who are migrating from Myanmar as well as Bangladesh, they will be treated as the illegal migrants if they don't have the valid documents. The MHA has said that the government has no powers to grant refugee status to any foreigner and added that India is not signatory to the United Nations Refugee Convention of 1951 and 1967 protocol. एक लाइन यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 और 1967. तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये मानना है कि जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन एक्ट है 1951 का और 1967 का, उसका वो हिस्सा इंडिया नहीं है, इसीलिए वो किसी भी व्यक्ति को शरणार्थी के रूप में वो उसको जगह पना नहीं दे सकता है. थैंक यू.